ओह वाह, तो फ्रेंड्स देखा आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे किस तरह आपका स्वागत करते हैं, चल इनको वाह, इट्स सो नीट एंड क्लीन। ग्राम सेवक जी, जी ये पुलके आप गरम गरम देंगे? बिल्कुल गरम गरम, ताजा ताजा। वाह, अरे वाह, वैसा रिवॉल्विंग तवा है, रिवॉल्विंग। वाह, दिस इज अमेजिंग। देखो ये फ्रेंड्स कितना गरम गरम, ये तो घर में भी इतनी बढ़िया नहीं। फ्रेंड्स अभी मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जगह पे लेके जा रहा हूँ। हमने अभी खाया था हमने ग्रैनी किचन का खाना जो बिल्कुल फैमिली जैसा था, लेकिन आज मैं आपको खिलाने ले जा रहा हूँ राजस्थानी ऑथेंटिक फ्रूट। बिलीव मी यार, दिल खुश हो जाएगा आपका। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट फूड जो अभी तक मुझे यहाँ लोकेट हुआ है। अब आइए मेरे पीछे। हम सर हमें खाना खाना था, अवेलेबल है? 15-20 मिनट वेटिंग है। क्या बात करो, इतना वेटिंग टाइम है? जी वाह। आइए फ्रेंड्स आपको दिखाऊं, भीड़ देखो यार, लुक एट दिस, लुक एट द क्राउड मैन, ह्यूज क्राउड। देखो यार, अब यार देखो आप उसे, यहाँ खुद अभी 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक ये टेबल खाली नहीं होंगी, ये लेडीज यहाँ से नहीं निकलेगी जब तक हमें जगह नहीं। पर कुछ टेबलें तो खाली है। अच्छा वो रिजर्व्ड है? ओह, तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना पॉपुलर है ये, तो चलिए वेट करते हैं, 15 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार। पहली बार आ रहे हैं? हाँ यार मैं पहली बार आ रहा हूँ जी। भाई सर आप ये क्या है? पाकिस्तानी टोपी है सर। क्या ये आप पहन के खाना खाइए? ओह वाह, वाह मैम। तो फ्रेंड्स देखा आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे किस तरह आपका स्वागत करते हैं, कितने प्यार से आपको ये रिस्पेक्ट देते हैं। वाकई में राजस्थान में टोपी पहनाना बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो आप आते हैं खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लेडीज़ आर एंजॉइंग द किटी पार्टी राइट नाउ, और हम लेडीज़ से रिक्वेस्ट करिए कि मैम हमें बताएंगे खाने के बारे में। मैम प्लीज़ आप लोग रिव्यू दें थोड़ा, जरा रिव्यू देंगे खाने का, इनका फूड कैसा है? हम लोग एक बार पीआर फ्रॉम अजनादा सेक्टर 74 एंड वी हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द किटी। फर्स्ट हमें खाना बहुत ही अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा था, एंड जो एक जो हलवा था स्पेशली वो लोग आप टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हलवा खाइए बहुत टेस्टी है। किस चीज़ का हलवा था? सूजी का हलवा था एंड इट वाज ऑसम, इट वाज वेरी ऑसम, इट वाज वेरी टेस्टी। सो एवरीबॉडी एंजॉयड इट, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वी आर बोल कम कैफे जाके बोल हो गए थे, ये वाला चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज था, बहुत अच्छा लगा, फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। आज हमारे यहाँ पे हम लोगों ने किटी पार्टी करी है, रेनबो थीम थी हमारी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सब लेडीज ओवर डूइंग किटी पार्टी, दे आर एंजॉयिंग आउटसाइड विद अम्ब्रेलास। बेसिकली मेरे को लग रहा है कि इनको ना आपस में अम्ब्रेलास गिफ्ट की गई है एक दूसरे को। सो एवरीवन इज एंजॉयिंग, दे आर सो मच हैप्पी आफ्टर ईटिंग राजस्थानी थाली। भाई ये जगह बहुत अच्छी है, आके आपको विजिट करना चाहिए। और मैं बोलूँगा कैमरामैन जरा अंदर का व्यू दिखाओ सबको, आप अंदर का एम्बियंस देखिए, दिस इज अमेजिंग। वाह, आप देखिए कि बिल्कुल आपको ऐसे फीलिंग आ रहा है कि आप राजस्थान में किसी मेवाड़ के किले में आ गए हो। बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, और हमने बहुत इन्जॉय किया खाना, फूड एंड एवरीथिंग, एम्बियंस इज ऑल्सो वेरी ऑसम एंड वी इन्जॉयड अ लॉट। दीज आर माय फ्रेंड्स एंड वी हैव वेयर ऑल एंड ऑल द डिफरेंट कलर्स ऑफ इंडिया, सो वी हैड अ वंडरफुल टाइम ओवर हियर। थैंक यू। So friends, this is another group which is now eating dal bati, Rajasthani thali. So let's take their review also and poochte hain logon se ki kaisa khana tha. दाल बाटी कैसे लगी? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? मैं पहली बार आया हूं। फूड इज वेरी नाइस, वेरी यम्मी, सर्विस इज आल्सो वेरी नाइस, पीपल आर वेरी गुड ओवर हियर, very nice, nice experience. Or Indian food. Indian food. We definitely recommend our other friends also. Hopefully, कल भी एक ही दिन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इनकी देखो कितनी बड़ी थाली है बॉस, आई वांट जस्ट टू शो यू। क्या लाए हो? फिंगर बोल। ये फिंगर बोल है? जी। वाओ। अच्छा पहले हाथ धुलवाते हैं सबके। दिस इज अमेजिंग यार। वाओ।
जी सर दिस इज रियली अमेजिंग दिस वाज नाइस अच्छा ये पानी ले आए आप बटर मिल्क ये छाछ है जी सर वाओ सो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो आपको सर्व की जा रही है छाछ पी के देखते हैं बहुत यमी वेरी वेरी यमी अमेजिंग स्वीट स्वीट कॉर्न सैलेड सैलेड है ये स्वीट कॉर्न वाओ ये भाई साहब ग्रीन चटनी डालो यार ग्रीन चटनी में डालो इमली चटनी अरे वाह मैन पिकल वाओ ये अचार है किस चीज़ का है मिक्स है सर मिक्स अचार तो नाइस यार इन्होंने ये बहुत अच्छा दिया सैलेड स्वीट कॉर्न सैलेड सर स्वीट कॉर्न सैलेड जी सर फ्रेंड्स इमली की चटनी इतनी मस्त है ना यार वाओ यार पुदीने की चटनी भी अल्टीमेट है लहसुन चटनी राजस्थानी अच्छा ये लहसुन की चटनी है राजस्थानी वाओ यार ये तो मिलती बहुत कम लोगों में ओहो दिस इज अमेजिंग यार प्रॉपर देखिए लहसुन इतना बढ़िया फ्राई करके डाला हुआ है रेड चिली के साथ ऑथेंटिक खमन ढोकला वाओ ढोकला भी आ गया भाई बॉम्बे वड़ा ये कौन सा बड़ा है बॉम्बे वड़ा आलू का आलू का मोंडा हो गया तरह वाओ पापड़ तक राजस्थानी ओह दिस इज ग्रेट वाओ वाओ स्पेशल दाल बड़ी चूरमा राजस्थानी अच्छा ये दाल बड़ी आप तो फ्राई करके बनाते हैं राइट यार चटनी तो तुम्हारी मस्त है वो पंचमेल दाल अच्छा ये पंचमेल दाल मतलब कि इसके अंदर पांच तरह की दाल होती है सर वाओ देसी घी इसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा दाल बाटी का भाई फ्रेंड्स दिस इज ट्रूली ऑथेंटिक यार ट्रस्ट मी चूरमा सर मैं बहुत बारी गया हूँ चूरमा ये चूरमा है दाल बाटी चूरमा ओके टिपिकली सेम फ्लेवर्स सेम प्रोसेस एकदम सेम चीज है अब ये क्या लाए भिंडी मसाला अच्छा ये भिंडी मसाला जी कढ़ाई पनीर ओह दिस इज अमेजिंग यार कढ़ाई पनीर जयपुरी गट्टा अरे ये अल्टीमेट चीज फ्रेंड्स गट्टा गट्टा इज वन ऑफ द फेवरेट डिशेज ऑफ आलू टमाटो रसा ये क्या था आलू टमाटो रसा वाओ राजस्थानी दाल ये किस चीज की दाल है पंचमेल सर कौन सी पंचमेल ये भी पांच दालों का मिश्रण है राजस्थानी कढ़ी हाँ कढ़ी तो राजस्थानी की बढ़िया होती है गुजराती कढ़ी सर वाओ अभी खाना खाते खाते मैं आपको एक कढ़ी की बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा यार अभी और भी कुछ खाना है जी क्या आएगा रोटी है राइस है पूरी है वाओ बहुत बड़ी थाली है फ्रेंड्स फुल्का रोटी सर एक देना यार ये भी एक देना मक्के की रोटी ये क्या है गुड़ दिस इज अमेजिंग अच्छा ये गुड़ के साथ खाने के लिए जी जी देसी घी सर यार मक्के की रोटी जो है ये तो पीली होती है आपकी वाइट क्यों है मिट्टी बनाता सर मैंने कहा पीली जनरली पीली होता है मक्का जी जी हो गया कंप्लीट अभी है पूरी है सर पूरी आएगी इनफैक्ट मैं कढ़ी के बारे में आपको बता रहा था कढ़ी एक राजस्थान की बहुत ही मस्त बनती है मैं बहुत रेगुलर पहले पुष्कर मंदिर जाया करता था अराउंड 10 ईयर्स बैक तो ये क्या है स्वीट कॉर्न हलवा मक्के का अच्छा ये जिसकी तारीफ करी थी वो लेडीज है जी वाओ तो अब दाली होगी कंप्लीट जी थैंक यू और फाइनली हमारी कोई लास्ट चीज आ गई है ये क्या है ग्रीन चिली सो नाउ थाली इज कंप्लीट आई थिंक और यार ये तो आए जा रहे हैं भाई बंद नहीं हो रहे पालक पूरी तो पालक पूरी वाह पालक पूरी जी सर दिस इज अमेजिंग यार तो फ्रेंड ये अनलिमिटेड है ना जी सर मैं खाता रहूं जी बिल्कुल मना तो नहीं करोगे नो सर चलिए थैंक यू गुड और मक्की की रोटी और देसी घी डालो भाई भोजन की शुरुआत हमेशा मीठे से करनी चाहिए वाह भाई तो जन्नत है ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया यार दिल खुश हो गया आपका खाना देख के इनफैक्ट मैंने पहले तो मीठा ही खाया था आपका यार मुझे वो थोड़ा और मिल जाएगी मक्की की रोटी और शक्कर गट्टे की सब्जी बहुत आप खा लोगे ना माइंड ब्लोइंग राजस्थान इज टोटली फेमस फॉर गट्टे की सब्जी
दिस इज अमेजिंग बॉल। अब कड़ी की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताना चाहूँगा। सो परफेक्ट ब्लेंड, एकदम गाड़ी है यार, थिक देख, थिकनेस देखो यार। मैं इनफैक्ट पुष्कर मंदिर जाया करता था रेगुलर, और वहाँ पे रोज सुबह सुबह लो यार गट्टे डाल दो यार। तो फ्रेंड्स वहाँ पे सुबह सुबह आप जाएंगे ना 6 बजे 7 बजे मंदिर के दर्शन करने, तो बाहर निकलिए ब्रह्मा जी का मंदिर के बाद, और मैंने भी थोड़ी शक्कर और रोटी मंगाई, रखो यार दिस इज ऑसम। इसको मैं थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेता हूँ यार, इसमें शक्कर डाल दो खूब सारी, और डाले शक्कर तो डाल दो, कंजूसी मत कर। वाओ घी डाल दे, वाओ दिस इज अमेजिंग, डाल दे बस थैंक यू, ये बाद में खाऊंगा, मैं खाऊंगा जरूर। तो सुबह सुबह आपको वहाँ पे ना कचौरी मिलेगी लेकिन कड़ी के साथ, एंड बिलीव मी सो ऑथेंटिक सो डिलीशियस दैट यू विल गो क्रेजी। अब ये भी कुछ रख दे, ओहो वाओ यार जलेबी भी आ गई, अरे इतनी सारी चीज़ें खाएगा कौन यार। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले ट्राई करते हैं पनीर। बटरीनेस ऑफ पनीर, टैंगीनेस ऑफ टमाटो, और फ्लेवर आया ना जो ब्यूटीफुल यार। अब भिंडी मसाला इनका भी दिख तो बहुत अच्छा रहा है, गुड यार भिंडी मसाला इज वेरी गुड, वेरी सॉफ्टनेस है उसमें। द बेस्ट पार्ट इज मैंने माइल्ड स्पाइसेस है यार, वेरी माइल्ड स्पाइसेस। ये जो दाल बाटी है ना ये मैं सबसे लास्ट में खाऊंगा, अब इनकी पंचदन दाल भी खा के देखते हैं। मौसम मैन नो थैंक यू, ऑसम मैन ऑसम, बिलीव मी यार इतना ऑथेंटिक इतना फ्लेवरफुल, सच में खाना मेरे दिनों बाद सदियों बाद में खाने को मिल रहा है, वो भी राजस्थानी। बोंडा अपने आप में एक बढ़िया चीज़ है, और जो लहसुन है ना फ्लेवर दिस इज अमेजिंग। अब खाएंगे दाल बाटी यार, वाओ दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज ट्रू दाल बाटी बॉस, इतनी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो चुकी है ना, स्पॉन्जी बन चुकी है दाल के अंदर, वाओ सो स्पॉन्जी। दाल का जो फ्लेवर है ना मस्त है, स्वीटनेस है, आप खुद देख रहे हो मैं कितना एंजॉय करके खा रहा हूँ। बिरयानी में यार दाल बाटी का मज़ा ना खास से ही आता है, ऑथेंटिक यार ब्यूटीफुल। मज़ा आ गया भाई, लेट अस ट्राई सम चावल ऑल्सो, इतना खाना है बॉस इतना खाना है कि दो आदमी तो खाएंगे, ये एक के पेट में तो नहीं जाएगा। वाओ ये येलो दाल अरहर की नहीं है, ये उड़द की दाल का बनाया हुआ उन्होंने, इनफैक्ट राजस्थान में उड़द की दाल ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाओ दिस इज ट्रूली ट्रूली डिलीशियस मैन यार, खुशबू जो आ रही है ना लौंग की, छोटी इलायची की, गर्म इलायची की, सबसे ज़्यादा तो मुझे इस वक्त और गार्लिक की, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता यार, दिस इज ऑथेंटिक। जिन्होंने हमें चटनी भी दी थी, वाओ अब इनकी दाल बाटी, दाल बाटी भी खा रहे हैं, तो ये दाल बाटी का चूरमा है, इसमें दाल कौन सी डालें, ट्राई दिस। वाओ दिस इज डिलीशियस मैन, स्वीट एंड सॉल्टी, वो भाई का दिल खुश कर दिया भाई, भाई मीठा मीठी मीठी बाटी का चूरमा और दाल के साथ जब ऐड करके खाओगे आप जो एक ब्यूटीफुल फ्लेवर आएगा ना यू कांट इवन इमेजिन यार, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा आज तो, कमाल ही हो गया। राजस्थान के खाने की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि दे रियली एनहांस द फ्लेवर्स आउट ऑफ ईच वेजिटेबल, गट्टा हो चाहे पनीर हो चाहे वो दालें हों, और दालों का जो मिश्रण करते हैं ये
रेयरली इंडिया में कहीं आपको मिलेगा. दे मेक कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 दाल्स ये बनाते हैं जो, और एवरीथिंग इज कुक्ड ऑन लो हीट. आपने देखा था गरम गरम फुल्का उतर के आपको खाने को मिलता है. गट्टे की सब्जी जो खाऊंगा यार, चाहे मुझे पापड़ से खानी पड़े, एक पूरी में उगाते हैं, एक तो पूरी दे देंगे, पूरी दे देंगे. गट्टे का मजा सिर्फ पूरी के साथ आता है, गट्टे का कॉम्बिनेशन सिर्फ पूरी के साथ कवर अप होता है. आप रोटी के साथ खा लें नहीं मजा आएगा, पराठों के साथ खा लें नहीं मजा आएगा, राइस के साथ खा लें नहीं मजा आएगा, बट एक्चुअल फ्लेवर कम्स फ्रॉम विद पूरी. बेस्ट पार्ट है छोटी छोटी छोटे टाइनी टाइनी चिन्नी चिन्नी से, बड़े ही मेहनत से यार बनाए रखे इन्होंने. और इनकी ये वाइट कलर की कड़ी है, ये भी अच्छी है यार, वाह. ये खट्टी मीठी है गुजराती कड़ी. इनफैक्ट दिस प्राइस ऑफ थाली इज आई थिंक लेस देन 500 रुपीज, बट इज वेरी वेल डन. हाँ यार थैंक यू. बस गट्टे की सब्जी और पूरी का मज़ा जो आता है, वाह. हाँ बस हो गया, पूरी लेनी थी. अभी मैं थोड़ा खा लूँ फिर खाऊंगा, मीठा खाऊंगा कुछ. मज़ा आ गया भाई, मतलब मैं ये कहूँगा बहुत ही मज़ा आ गया. इट्स वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस, जरूर आए एक बार ये स्पेक्ट्रम मॉल में. डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल्स डाल दूंगा. आप ट्रस्ट मी, आप रिपेंट नहीं करेंगे कि आपने कहीं पे आ गया ऐसा गलती कर दी. एवरीथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट बैलेंस ऑफ मसाले, स्पाइस भी माइल्ड रखे हुए हैं. अब मैं गट्टे की सब्जी खा रहा हूँ, इसमें थोड़े से स्पाइसी हैं, पर वो स्पाइसी हाई स्पाइसीज नहीं है. जैसे बोलिए तली हुई लाल मिर्च को पीस के बनाओ, उस टाइप का स्पाइस है, विद गार्लिक फ्लेवर. कितना कुछ है खाने को, हलवा भी है. भाई ये सूजी का हलवा जैसे केसरी हलवा होता है ना, वैसे बना रखा, वाह. और जलेबी भी दी है इन्होंने यार, सो नाइसली डन, सो थिन. भाई जैसे देसी में बनी हुई है, उसमें पिस्ते भी डाले. ट्रस्ट मी फ्रेंड, दिस प्लेस इज हेवन. भाई यहाँ जरूर आए, जिंदगी में कुछ खाया नहीं है ना, यहाँ आगे जरूर खाएं. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. ग्रेट फूड, ग्रेट आफ्टरनून आई हैड टुडे. राजस्थानी खाना खा के यार दिल बाग बाग हो गया मेरा, गार्डन गार्डन हो गया. दो रुका नहीं जा रहा, आई विल डेफिनेटली फिनिश अप दिस, बट टू कट शॉर्ट वीडियो, ये मिस मत करना प्लीज यार. आप यहाँ आना, इट्स माइंड ब्लोइंग फूड, अमेजिंग, मतलब दो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, एवरीथिंग इज परफेक्टली डन. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू. सो फ्रेंड बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, आई हैव रिक्वेस्टेड सौरभ जो यहाँ के मैनेजर है, जिन्होंने मुझे टोपी बनाई थी. वाकई में भाई टोपी नहीं बनाई थी, ये वो वाली टोपी नहीं है, ये असली की टोपी है जो मेरे सर पे है. तो मैंने अभी सौरभ जी के जो मैनेजर हैं उनको बुलाया है बिफोर आई एंड अप दिस वीडियो. तो मैंने कहा लेट अस टॉक अबाउट द कंपनी एंड उनका चेक करते हैं कि बैकग्राउंड. सौरभ जी ये है मिस्टर सौरभ, यहाँ के मैनेजर. तो सौरभ जी इस ग्रुप को कितना टाइम हो गया सर? अच्छा इस वाली लोकेशन, इस लोकेशन पे अभी 2 महीने हैं. तो आप कब से जुड़े हुए हैं? 6 साल हो गया. 6 साल से जुड़े हुए, वाओ. तो इनके और ब्रांचेस भी हैं, कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है और एक गौर सिटी में. गौर सिटी जी, ये तो गौर सिटी 2 है. गौर सिटी 1 में. और एक स्पोर्ट लाइट गाजियाबाद. स्पोर्ट लाइट गाजियाबाद, ओके. सो फ्रेंड देखा आपने, इट्स अ वेरी बिग चेन यार. खाना तो मैं मान गया इनका. जैसे ये जो आपकी ग्रुप है, जैसे अब यहाँ पे कुक है आपका, एकदम 15 साल हो गए एक्सपीरियंस, क्या ये सेम टेस्ट तीनों लोकेशन पे मिलता है? जी वो चेक होगा, कैसे क्वालिटी कैसे चेक करते हैं आप लोग? अगर आप जाएंगे वहाँ पे भी वही होगा. देखो यार कितनी बड़ी मैनेजमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शेफ है उसे 15 साल का एक्सपीरियंस है, और ये गारंटी ले रहे हैं कि आप किसी भी लोकेशन पे इनके जाएंगे तो सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी, सेम परफेक्शन आपको मिलेगी. पर यार इतने कम प्राइस में इतना क्वांटिटी आप लोग दे रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ यार. देसी घी भी देने, तो ये क्या है चमत्कार. ये लिमिटेड होता है ना सर, तो आदमी जो भी हो थोड़ा थोड़ा आपको गर्म गर्म खिलाते रहते हैं, जितना खाएंगे उतना. और स्टिल यू आर सर्विंग देसी घी, और आज इस टाइम में हर चीज़ अवेलेबल है, मक्के की रोटी भी है, पूरी भी है, आपको चपाती भी है, राइस भी आपको बढ़िया मिल रहा है बासमती, एवरीथिंग इज परफेक्ट यार. मतलब कोई चीज़ की कमी मुझे नजर नहीं आई. ये क्वालिटी खाने के लिए इनफैक्ट किसी को भी जाना हो ना राजस्थान ही जाके खाएगा.
नहीं यहाँ भी मिलेगा सर। ये तो मान गया, आपके यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। और दाल बाटी चूरमा और कटी सब्जी तो राजस्थान में मशहूर है वो। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने दाल बाटी चूरमा किसी हमारे यहाँ कोई रहते थे वो फैमिली वो दिया करते थे बिकॉज हिज वाइफ वाज फ्रॉम राजस्थान। उससे पहले मैंने जब भी खाया या तो मैंने कभी पुष्कर के मंदिर के पीछे जमीन पे बैठे हैं वो एक फैमिली वो बेचती है, या आप मेवाड़ में जाके खाओ नंबर वन मिलता है, राजस्थान में मिल जाता है, बट ये परफेक्शन ये क्वालिटी ट्रस्ट मी यू विल नेवर गेट। दिस इज ऑथेंटिक ओरिजिनल। ये आपको ऐसे लग रहा हो कि आप अभी राजस्थान के अंदर बैठे हो गाँव में और उस तरह का भोजन खा रहे हो, इतनी परफेक्शन से बनाया हुआ। सौरभ जी मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। तो फ्रेंड्स कभी भी आए डिस्क्रिप्शन में सौरभ जी से मिले, इनका फोन नंबर मैं डाल दूंगा। यू कैन ऑर्गेनाइज योर किटी पार्टीज, यू कैन ऑर्गेनाइज योर बर्थडे, ग्रुप्स आ सकते हैं जैसे अभी हम देख रहे थे कि यहाँ के ग्रुप से बहुत से बड़े बड़े ग्रुप्स आए थे और इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा था आपसे। थैंक यू फॉर योर ग्रेट फूड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट।